अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पहले टीवी मोबाइल नहीं हुआ करते थे, किसी फिल्म का बेसब्री से इंतजार भी हुआ करता था, यहाँ तक कि एडवांस बुकिंग के लिए लंबी लंबी कतारें लगती थी। खैर आज उस दौर का जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि भारत सरकार की जानिब से अग्निपथ नाम की योजना का ऐलान किया गया और ये ऐलान उसी तरह लग रहा है जैसे कभी अग्निपथ फिल्म की रिलीज को लेकर हुआ था। मतलब भारत के नौजवानों को कैसे वक्त से पहले ही बुजुर्ग बना देने का ऐलान मोदी हुकूमत ने किया है। भारत जहां बेरोजगारी की तारीख आंकड़ों का दायरा पार करते हुए नजर आ रहा है, पहले 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान वजीर आजम की जानिब से किया गया, फिर अग्निपथ नाम की फौज में महज 4 साल काम करने की योजना का ऐलान किया गया। वैसे सिर्फ 3.5 साल से भी कम वक्त फौज में काम करने का मौका मिलेगा। आखिर ये तरीका कहां से लाया गया, कहां से इस योजना को लिया गया, ये भी सोचना जरूरी है। इसराइल की नहज पर इस योजना की शुरुआत की गई ऐसा कहा जा रहा है। वैसे भी पहले से भारत सरकार को इसराइल के साथ मिलकर काम करने की आदत भी पड़ी हुई है। लिहाजा अग्निपथ नाम से शुरू की हुई स्कीम के पीछे क्या मकसद है ये तो भारत की मोदी सरकार ही बता सकती है। 4 साल के मुख्तसर वक्त के बाद भाड़े का फौजी बनने की साजिश ही कह सकते हैं। कई सारी खामियों पर तस्करा किया जा रहा है। जब बड़े पैमाने पर हथियार के तरबियत के बाद नौकरी से बाहर होने वाले नौजवान बड़ी तादाद में होंगे, जिससे कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा हो सकता है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने इस योजना पर लिखा कि सशस्त्र बलों के लिए खतरे की घंटी, इसका पायलट प्रोजेक्ट लाए बिना ही लागू कर दिया गया। समाज के सैन्यकरण का खतरा, हर साल करीब 40,000 युवा बेरोजगार होंगे, ये अग्निवीर है। किसी तरह के हथियार चलाने में इनकी तरबियत मुकम्मल नहीं होगी और ये अच्छा ख्याल नहीं है, इससे किसी को भी फायदा नहीं होगा। इसके पीछे की साजिश किस तरह की है समझने के लिए कुछ और वक्त लग सकता है, लेकिन जिस योजना का ऐलान किया गया, जिसकी मुखालिफत मुल्क भर में हो रही है, देश में हर साल 40,000 नौजवान जो यहाँ से रिटायर्ड होंगे बेरोजगार बनेंगे और ऐसों का धार्मिक संगठन गलत फायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि 4 साल जदीद हथियार चलाने की तरबियत के बाद मुल्क के अंदरूनी अमन अमां के लिए खतरा भी बन सकते हैं। आखिर 4 साल के बाद सिर्फ 25 साल की उम्र में रिटायर्ड फौजी आखिर और क्या खिदमत अंजाम देगा। लिहाजा इस योजना के ऐलान के बाद नौजवानों में गुस्सा देखा जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अग्निपथ की मुखालिफत में एहतजाज किए जा रहे हैं, कई जगहों पर आगजनी की गई और कई सारी जगह पर तशद्दुद की वारदातें पेश आ रही है। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना का ऐलान करते हुए 45,000 नौजवानों को रोजगार देने की बात कही। अगले 90 दिनों में अग्निपथ के तहत नौजवानों को भर्ती भी किया जाएगा, 40,000 तनख्वाह दी जाएगी, 24 साल में रिटायर्ड किया जाएगा। ताजुब की बात यह है कि जब फौज में महज 4 साल में ही रिटायरमेंट दिया जाएगा तो दिगर सरकारी महकमाओं में भी इसे लागू करना होगा। मोदी सरकार ने तो दूसरी तरफ रिटायर्ड अफसरान को दोबारा नौकरी पर लाने की भी बात कर रहे हैं। लिहाजा इस फैसले के खिलाफ एहतजाज का दौर जारी है, भाजपा का दफ्तर भी जलाए जाने की खबर हासिल हुई है। कुल मिलाकर यह फैसला मोदी हुकूमत को ही अग्निपथ पर ले जाने वाला नजर आ रहा है, क्योंकि अग्निपथ पर चलने से पहले ही हुकूमत के इस फैसले पर अग्निवीर आग उगलते नजर आ रहे हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह। वापस लिया जाए और 4 साल का नौकरी हम लोग करने के लिए नहीं है, इंडियन आर्मी में जाएंगे।
हमें पुरानी वैकेंसी चाहिए, हमें पुरानी वैकेंसी होता था वैसे वापस चाहिए। जो नया आया हुआ है अग्नि परीक्षा, इसको रद्द किया जाए। पहले से फिट थे इंडियन आर्मी में, जो मेरी दौड़ और मेडिकल हो चुकी थी, उस एग्जाम को रद्द क्यों किया गया? उसको यानी कि पूरा बहाल किया गया।